अस्सलाम वालेकुम मोज़ज़ ख़वातीन हज़रात, तो खुश आमदीद आज के नए व्लॉग में। तो अभी हम लोग मैं ऑफ़िस से आया हूँ, और ऑफ़िस से आने के बाद अभी फातबे के कज़न हैं, हाँ हम दोनों ऑफ़िस से आए हैं, और फातबे के कज़न हैं एक अली भाई, वो अभी रिसेंटली दुबई आए हैं जेएलडी की तरफ। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम जेएलडी जा रहा हूँ, तो अभी पहले उनके लिए सामान वगैरह लेना है, कुछ सुपारी वगैरह उन्होंने मंगवाई है, सुपारी वगैरह लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हम जेएलडी के लिए निकलेंगे। मैंने मूवीज़ को बोला चलने को, तो मूवीज़ ने बोला चलते हैं। तो अभी हम लोगों ने अली भाई के लिए लिए एक बम्बई का डब्बा, अब पाकिस्तान से वो लेकर नहीं आए, क्या मसला है क्या नहीं, वहाँ मिलता भी नहीं है। जेएलडी में कोई ग्रोसरी वगैरह नहीं बनी हुई, यहाँ पे ग्रोसरी बनी हुई, तो मैं उन्होंने मुझे दोबारा कॉल करके बोला कि भाई मेरे लिए छालिया वगैरह लेकर आना, सुपारी वगैरह लेकर आना। तो अभी उनके लिए सुपारी का बॉक्स लिया है, देखते हैं उनका रूम वगैरह देखेंगे कैसा है। जेएलडी वैसे बहुत खूबसूरत जगह बनी हुई है, तो अभी जाते हैं, फिर इंशाल्लाह उनसे पिक अप करते हैं। तो अभी हम लोग अली भाई को कॉल मिलाइए, अली भाई बोल रहे हैं कि 10 मिनट लगेंगे, वो ऑफिस से निकले हैं, हम अभी तकरीबन 5 मिनट लगेंगे निकलने में, अभी मेट्रो में बैठे हैं। उसके बाद फिर कार्ड मैंने पंच किया, कार्ड का सीन ये हुआ कि मूवीज़ के कार्ड मैंने पंच किया, मूवीज़ मेरे साथ ही आ गया, मैंने अपना कार्ड दोबारा पंच किया, करने के बाद फिर मैं मेट्रो स्टेशन पर उतरा, वहाँ से एक बार और पंच किया, फिर दोबारा पंच किया, एक्स्ट्रा लग गया। तो अभी आवाज़ मेरी बहुत बैठी हुई है, निकल नहीं रही आवाज़, परसों मैच में बहुत चल रहा है, बहुत तफरिया करी है, अभी बस पहुँचने वाला है, इसके नेक्स्ट स्टेशन अपना है DMCC को धरना है, फिर इंशाल्लाह अली भाई से मुलाकात होती है। और ये खुला दरवाजा, तो फाइनली हम लोग अभी DMCC पे उतरे, मेरे शूज़ गंदे कर दिए मूवीज़ ने, सफ़ेदी की चमकार, और अभी कार्ड में देखते हैं क्या सीन है, कौन सा कार्ड पंच करना है, पहले भी मेरा दूसरा कार्ड पंच हो गया था। और DMCC यहाँ पे मैं एक दो बार और पहले आ चुका हूँ, एक दो बार नहीं बल्कि काफ़ी बार आना जाना हो चुका है इस मेट्रो स्टेशन से। तो अभी हम लोग बाहर निकलते हैं, दोबारा कार्ड पंच करते हैं। उई अभी दोबारा मेरा कार्ड गलत पंच हो जाता है, अभी मुझे पता नहीं निकलना ना है, यहाँ निकलना है। हम DMCC मेट्रो स्टेशन से बाहर निकले, और इस साइड पे बना हुआ है पूरा JLD, और इस साइड पे बना हुआ है, बैक साइड पे बना हुआ है दुबई मरीना, और इससे आगे तो मेरी सबसे फेवरेट जगह जबल अली का मेट्रो स्टेशन है, जो कि अब मुझे ज़रा ही पसंद नहीं है वहाँ जाना, बहुत टाइम वहाँ गुजारा, बहुत टाइम जबल अली में गुजारा, तो अब इतना नाप शौक नहीं है जाने का वहाँ पर। तो अभी पता नहीं कौन सी बिल्डिंग में अली भाई का घर है, बिल्डिंग एक बहुत टाइट बनी हुई है यहाँ पे। अली भाई अभी ऑफिस से निकले हैं, 10 मिनट उनको आने में लगेंगे, अभी देखते हैं वो कितनी देर में आते हैं, वेट करना है यहाँ पे अपने को। तो फाइनली अली भाई से हम मिल चुके हैं, और ये हैं अली भाई, फात भाई के कज़न। अस्सलाम वालेकुम। फात भाई को तो वीडियो में देखा ही होगा, फात भाई ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, और खूबसूरत जगह पर रह रहे हैं ये, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और थैंक यू राफे भाई, आप जो है हमारे लिए बम्बई छालियाँ लेकर आए कराची से, और मिसिंग दैट थिंग, लेकिन इसने बंदे ने मेरा बड़ा ख्याल किया है, और मैं इसको भाई इस बात पे आपको अभी व्लॉग के बाद एक पप्पी दूंगा इसको मैं, गंदी वाली भी देना, अच्छी वाली देना। और ये जो रह रहे हैं ये है इनकी बिल्डिंग, टाइगर बिल्डिंग, और ये है इनका व्यू, जुमेरा लेक, क्या नाम है इस जगह को, बोलते हैं JLT, ठीक है, JLT जुमेरा लेक टावर्स, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे क्लस्टर्स हैं, तो मैं क्लस्टर डी में रहता हूँ, ठीक है, तो जिस किसी ने भी मुझसे मुलाकात करनी है तो JLT क्लस्टर डी में आ जाए, सही है, हम तो आ गए इनसे मिलने के लिए, अब इनसे थोड़ी बातें वगैरह करते हैं, बाकी व्यू बहुत टाइड है, बहुत बहुत हमारी जो है ना रोज़ रात हम यहीं बैठे हुए होते हैं, रात में 3-4 बजे तक, हमारा सुबह का ऑफिस नहीं है भाई, हमें 12 बजे जाना होता है ऑफिस, और अल्हम्दुलिल्लाह जब इस टाइम आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल 8-9 बजे छुट्टी हो जाती है हमारी, और बहुत मज़ा आ रहा है, मैं रोज़ आऊँगा, मैं कुछ नहीं बता सकता इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता, चेक तो करो, व्यू तो चेक करो आप, ये यहाँ का व्यू, मतलब इतना मज़ा आ रहा है ना, यहाँ 100 रुपये किलो वाली आवाज़ें चलने लग रही हैं।
आलू ले लो, कांदे ले लो। सही है, नया चिंची है, तीन डब्बे वाला आ रहा है, तीन डब्बे वाला आ रहा है ना, सब्जी वाला आ रहा है, सुकून ही सुकून है ना। सिटी वाले बाबा आते हैं जिनसे, जिनको देख के बच्चे डरते हैं, और सामने से अंग्रेज भागते हुए आ रहे हैं। सही है, और जान न पहचान आपको देख के अच्छी से स्माइल देते हैं। सही है, तो बस ये बेहतरीन है। ये भी वही जगह है जो मैं मरीना पे जाके मैंने व्लॉग वगैरह बनाया था ना, उसकी ये उसी का ही पार्ट है ये, लेकिन ये वो अपोजिट साइड है, ये इस साइड पर है। तो बहुत टायर्ड इनकी ये बिल्डिंग, बहुत टायर्ड बनी हुई है, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का। अभी हम लोग काफ़ी देर तक बैठे हुए बातें कर रहे थे, तो अब अली भाई को इजाज़त, अली भाई इजाज़त दे रहे हैं हमें कि अब जाओ, मेट्रो वगैरह बंद होने वाली है, 11:30 होने वाले हैं, 11 बजने वाले हैं। तो अली भाई इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। हाँ यार, मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आप आए, मोहित भाई आपका बहुत शुक्रिया। और आप फीडबैक क्या देंगे, जहाँ ये जगह कैसी है, और मेरी अकोमोडेशन आपको मैंने दिखाई जिस बिल्डिंग में, तो कैसी जगह है भाई ये जगह? यहाँ पे मैंने पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पे हम लोग आते हैं घूमने के लिए, तो यहाँ पर रह रहे हो, तब आप घूमने के लिए कहाँ जाओगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बात ये बोलना चाहूँगा कि लोग बोलते हैं कि यार परदेश में दिल नहीं लगता किसी का, लेकिन भाई ऐसी जगहें हो तो सबका दिल लग जाता है। सीरियसली ऐसा नहीं है कि दिल नहीं लगता भाई, हमारा तो लग गया, मुझे 3 दिन हुए यहाँ पर आके, और बहुत बाप जगह है, बहुत आउट क्लास, मज़ा आया। तो अभी हम लोग मेट्रो की तरफ जा रहे हैं, अली भाई भी हमें सी ऑफ करने के लिए जा रहे हैं। अरे भाई दुबई में भी कचरे फेंक देते हैं लोग, कचरा पड़ा हुआ है। बंदा बोल रहा है कि यहाँ पे जब आपको इतनी अच्छी फैसिलिटीज दी हुई है तो क्यों ना इसको खुद से भी साफ रखा जाए, और अगर ये कराची में होता तो ये कभी नहीं फेंकते कभी भी नहीं फेंकते ये कचरा। भाई देखो एनवायरनमेंट की बात होती है, इंसान जैसे एनवायरनमेंट में आता है वैसे रहना पड़ता है इंसान। अब कराची में अगर मैं कचरा उठाना खड़े हो गया ना, तो फिर जिंदगी भर मुझे कचरे वाला लोग समझेंगे। तो ये अभी अगर ये कराची में पड़ा हुआ होता तो सुबह गधे वाले का इंतजार करते हैं कब आएगा उठाने के लिए। तो सही अली भाई, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। चलो चलो बेटा, बहुत अच्छा लगा मिलके। चलो अल्लाह हाफिज़।